हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। और यहाँ पर मैं आपको रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ अंगारा चिकन की, जिसके लिए मैंने 2 टेबलस्पून धनिया, 2 टेबलस्पून ज़ीरा और 10 से 15 काली मिर्चें और लौंग मैंने डाली है 3 से 4, और 5 मैंने डाली हैं इलायची और 2 दालचीनी के टुकड़े और 10 से 12 बड़े साबित मिर्चें जो गोल वाली होती है ना, वो उनको ड्राई रोस्ट करके मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है पाउडर फॉर्म में। और यहाँ पर मैंने 1/2 कप ले लिया है योगर्ट, साथ में 1 टेबलस्पून चला गया जिंजर गार्लिक पेस्ट, और जो हमारा मसाला हमने जो पीसा था वो वाला मसाला हमने मिक्स करा है। और यहाँ पर फूड कलर मैंने ऐड करा है, साथ में सॉल्ट ऐड करा है और इसको मिक्स कर दिया है। अब जो भी हमारे चिकन पीसेस हैं उनको मैं इसमें ऐड करके अच्छे से मिक्स करूँगी, और मतलब हमारी जो मैरिनेशन है वो रेडी हो गई है। और ये डॉग की आवाज़ आ रही होगी आपको। और यहाँ पर मैंने 1/2 कप ले लिया है अनियंस, और साथ में 2 से 3 टमाटर का पेस्ट बना लिया था। और यहाँ पर मैंने ले लिया है ऑयल, इसमें चिकन को करेंगे हम फ्राई अच्छी तरह से, हम इसको करेंगे फ्राई कम से कम 10 मिनट तक मैंने इसको फ्राई किया था। देन जो इसका मसाला था रह गया था रिमेनिंग, वो मैंने इसमें ऐड करा है और उसके साथ भी इसको अच्छी तरीके से फ्राई करा है। और यहाँ पर फूड कलर मैंने थोड़ा और डाला है क्योंकि ये थोड़ी सी रेड रेड सी चिकन होती है। और मैंने जो प्याज का मिक्सचर पीसा था ना वो भी मैंने ऐड कर दिया था और भूल लिया था, वो क्लिप आई थिंक मिस हो गई है। और उसके बाद से मैंने यहाँ पर जब ऑयल सेपरेट हो गया तो मैंने स्मोक दे दिया इसमें कोयले का, और अब मैंने हटा दिया इसको। जी तो चिकन मेरी ये लास्ट वीक मैंने बनाई थी, अपने सिस्टर के घर लेके गई थी और वहाँ पर सबको बहुत पसंद आई और सब ने यही खाया था। 2 सालन बने थे लेकिन सबको ये पसंद आया, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा। और बस यहाँ पर हो रही थी घर की क्लीनिंग, और मुझे काफ़ी टाइम से कर्टेंस भी चेंज करने थे, बेडशीट भी मेरी काफ़ी टाइम से जो है ना ये बिछी हुई थी तो मुझे ये भी चेंज करनी थी। क्लोज में संडे मार्केट से लेकर आई थी तब के कपड़े छोटे लग रहे हैं, मुझे लग रहा है बेचारे को डाइटिंग करानी पड़ेगी, मुझे अपने साथ साथ इसको पोर्शन कंट्रोल कराना पड़ेगा। देख रहे हैं चढ़ ही नहीं रहा बेचारा। जी तो यहाँ पर ये कर्टन्स में लेकर आई थी अम्मी के घर से, और मुझे लेने थे कर्टन्स में, अम्मी से ऐसे ही बोलने लगी मुझे लेने हैं, तो अम्मी कहने लगी कि ये ले जाओ, तो मैंने कहा अच्छा जी, फिर मैं लेकर आ गई। मैंने कहा मैं लेके जाके देखती हूँ, अगर मेरे रूम से मैच हुआ, अगर मेरे रूम में अच्छा लगा तो मैं लगाऊंगी, नहीं तो ले आऊंगी। तो बस यही होता है कि कोई चीज़ मुझे अच्छी लगती है तो बस अम्मी या अम्मी बोलेंगी ले जाओ, या मेरी सिस्टर बोलेगी कि ले जाओ तो मैं अच्छा लग रहा है ना। तो बस यही होता है कि हम अब्बा के घर से चीज़ें हम फ्री फोकट में उठा के ले आते हैं, तो अक्सर मेरे साथ होता है ना, अक्सर चीज़ें मुझे कोई अच्छी लगती है तो मैं ले आती हूँ। तो बस यहाँ पर ये सारी जो है वो कर्टन्स भी मैंने, काफ़ी पुराने मेरे ये कर्टन्स हैं, 2-3 मेरे पास और थे हैं बल्कि, तो मैं सोच रही थी मैं उनको निकालूं, और मेरा दिल हो रहा था कि मैं न्यू ही ले लूं ना, तो बस फिर ये दे दी अम्मी ने। तो बस जी यहाँ पर रूम मेरा हो गया था, पूरा घर क्लीन हो गए थे, सारे काम हो गए थे, तो बड़ा ही सुकून मिलता है जब बेड शीट्स कर्टन सारी चीज़ें चेंज हो जाएं। तो आप लोगों के साथ भी यही होता होगा, बताइएगा मुझे कमेंट करके। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा,
और पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और साथ साथ शेयर भी कर दीजिएगा। मिलूँगी इंशाल्लाह ताला अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।